बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान नूरुल हुदा। आप हमें लाइव मुलाहिज़ा कर रहे हैं edutv.hc.gov.pk पे। आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं @edutv_hc। नाज़रीन, आज ये हमारे सेकंड टॉपिक है हमारे पास, और ये मौजू है हमारा कि जिस्म के गुनाहों से कैसे बचे। इंसान गुनाहों में जब मुब्तला हो जाता है, एक इंसान है वो प्योरीफाई, जैसे हमने पहले शो में सर ने बात की थी कि इंसान कभी भी गुनाहों से बिल्कुल पाक नहीं हो सकता, इंसान से गुनाह सरजर्द हो जाते हैं, लेकिन हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम गुनाहों से बचें। आज इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सर मोहम्मद उस्मान अली खान, इंस्पिरेशनल स्पीकर हैं, लाइफ ट्रेनर हैं, कोच हैं, चेयरमैन ACT। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपके मजीद साथ का। आज का हमारा मौजू है जिस्म के गुनाहों से कैसे बचें। तो सर, इंसान सबसे पहले तो ये वजह है कि इंसान गुनाह करता क्यों है। सबसे पहले सवाल ये ज़हन में आता है कि गुनाह कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें गुनाह की तरफ राग़िब करती है। सही, हमें वही चीज़ गुनाह की तरफ राग़िब करती है जो हमें नेकी की तरफ राग़िब करती है। यानी अल्लाह ताला ने आपके अंदर कुछ सलाहियतें भी रखी हुई हैं और कुछ ज़रूरतें भी रखी हुई हैं अल्लाह ताला ने। वो इसलिए रखी थी, जैसे पहले हमने बात की थी, वमा खलक़तुल जिन्ना, वो जो कि अल्लाह ने इंसानों को और जिन्नों को पैदा किया अपने लिए, ठीक है, अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब वो जो अपनी इबादत के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया, कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर चीज़ रखी है, जज्बात रखे हैं जो फरिश्तों में नहीं है, हमारे अंदर हैं। वो मोहब्बत के जज्बात भी हैं, ठीक है, वो कुर्बत के जज्बात भी हैं, ठीक है, वो ख्वाहिश के जज्बात भी हैं, ठीक है, ताकि इन जज्बात के ज़रिए हम अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह की कुर्बत, अल्लाह की अतात, अल्लाह की चाहत, अल्लाह की ख्वाहिश और वो चीज़ें ले सकें, ठीक है। तो अब ये जज्बा जब आपके अंदर मौजूद है एक पॉजिटिव मकसद के लिए, अब आप देखें, एक बंदे को आपने आर्मी में भर्ती किया, पुलिस में भर्ती किया, सिक्योरिटी फोर्सेज में किया, और उसको वेपन दे दिए। अब वो वेपन किस लिए दिया आपने? पॉजिटिव मकसद के लिए, कि आपने इससे लड़ना है, दुश्मनों से बचाना है, ठीक है। अब उसको जज्बात पे काबू नहीं है, तरबियत नहीं है, उसकी अपनी किसी से लड़ाई हो जाती है और वो उसी वेपन का इस्तेमाल गलत करके उसको मार देता है। यही कुछ हम करते हैं कि अल्लाह ताला से तो कनेक्शन बना नहीं, ना वो पता है, ना वो गाइडलाइन है, ना उस सफ़र के ऊपर चले, तो अब वो अंदर हमारी चीज़ें, वो ख्वाहिशात, वो चीज़ें, वो उबाल उठ रहा है, वो ज़रूरतें हमारे अंदर मौजूद हैं, वो अट्रैक्शन हमारे अंदर मौजूद है, अब हम तलाश करते हैं दुनिया के अंदर, तो वो फिर हमें जिस में नज़र आता है, वो किसी मुखालफ जिन्स में नज़र आता है, वो मालो दौलत में नज़र आता है, वो गाड़ियों में नज़र आती हैं चीज़ें, तो वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए फिर हम ये रास्ता इख्तियार करते हैं। देखिए, अगर आपको जो लिमिट्स बताई गई हैं उन लिमिट्स के अंदर रहते हुए वो काम करेंगे तो वो आपके लिए जायज़ है, और जो लिमिट से हट के करेंगे तो वो आपके लिए बुराई है, वो नाजायज़ है। अब मिसाल के तौर पर अब आप देखें कि हमारे जिस्म के अंदर खून है, हम जो खा रहे हैं वो भी हमारे स्टमक के अंदर मौजूद है डाइजेशन के बाद, ठीक है, और वो अगर हमारे जिस्म से बाहर कोई खून लगा हो या निजासत का कोई जो है वो कतरा, वो कोई चीज़ हमारे साथ लगी हो, तो हम क्या हो जाते हैं? नापाक हो जाते हैं, ठीक है। क्या इस हालत में इबादत हो सकती है? बिल्कुल। कुरान पाक पढ़ना कोई बात नहीं कर सकते, ठीक है, तो नहीं कर सकते। लेकिन वो एक कतरा बाहर लगा हुआ है, लेकिन कितनी ब्लड की बॉटल्स हैं जो आपके अंदर मौजूद हैं, आपके स्टमक के अंदर वो सारा मवाद मौजूद है, ठीक है, वो सारी गंदगी, वो सारी चीजें अंदर मौजूद है। सही। जिसका एक कतरा बाहर आ जाए तो नापाक हो गए, लेकिन वो अंदर सारी की सारी मौजूद है और आप पाक हैं। वजह ये है कि वो लिमिट में है। सही। और जब वो लिमिट क्रॉस कर देंगे तो काम खराब हो जाएगा। तो इसी तरह से जो ख्वाहिशात हैं, जो चीजें हैं, उसकी लिमिट्स अल्लाह ने रखी है, हलाल तरीका उसका अल्लाह ताला ने आपको बताया है, जायज तरीका अल्लाह ताला ने उसको बताया, जो उसके जरिए वो अपनी ख्वाहिशात को, चीजों को पूरा करेगा, वो सवाब है, वो अजर है, वो नेकी है। लेकिन जब सवाब से भड़के, जब लिमिट क्रॉस हो जाएगी, लिमिट क्रॉस हो जाएगी और नाजायज तरीके से उसको करेगा, तो वो गुनाह हो जाएगा। हलाल रिस्क कमाना आपके लिए सवाब है, लेकिन गलत तरीके से उसको हराम जराए से कमाना वो गुनाह हो गया, ठीक है। अब हो गया, खाना आपके लिए जायज है लेकिन हराम और गलत चीजें खाना, ये आपके लिए हो गया। अब क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमारी जरूरत है और सही रास्ता हमें पता नहीं, या सही रास्ते की तरबियत हम लेते नहीं है और कनेक्शन नहीं है, गलत तरीके से जब करते हैं तो अब गुनाह से हमें क्या मिलता है? गुनाह से हमें मिलता है लज्जत, लज्जत की खातिर करते हैं, लेकिन असल मंजिल जो है वो लज्जत नहीं है, वो सुकून है, ठीक है। तो हराम तरीके से, गुनाह से आप जो भी ख्वाहिश पूरी करेंगे, आपको लज्जत मिल जाएगी, सुकून छिन जाएगा। सही। लेकिन वही चीज जब आप जायज हलाल तरीके से करते हैं तो आपको लज्जत भी मिलेगी
और आपको सुकून भी मिलेगा। इसलिए हमने क्या करना है कि वही सारी चीजें करनी है जो हमें अलाउ है, लेकिन जायज तरीके से उन्हीं चीजों को अपने अज़ा को इस्तेमाल कर। सही सर, हम लोग इबादत करते हैं, हम एज ए मुस्लिम इबादत भी करते हैं और गुनाह भी करते हैं, और गुनाह से मतलब इबादत के बावजूद, इबादत तो हमें प्योरीफाई करती है ना, तो उस इबादत के बावजूद हम गुनाह को छोड़ नहीं पाते, वो जो लज्जत है वो हमें अपनी तरफ खींचे रखती है, इसकी क्या वजह है? देखिए, एक बंदा है और वो नशे का आदी है, तो उसके लिए एक कोर्स होता है, उसको हॉस्पिटल में रखते हैं, उसको एक तरीके के साथ मेडिसिन भी देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसको उससे बाहर निकालते हैं, तो वो अगर वो पूरा कोर्स कर लेता है तो वो नशे से बच जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वो बीच में डंडी मारता है, वो मेडिसिन भी नहीं खाता, फिर चुपके वो नशा कर लेता है, ठीक है, और जो उसको एहतियात बताई जाती है वो पूरी भी नहीं करता, और वो बाद में कोर्स भी मुकम्मल हो जाता है उसका, तो आप कहेंगे यार कोर्स मुकम्मल भी हो गया फिर भी उसने नशा नहीं छोड़ा, ठीक है, तो उसने किया ही नहीं कोर्स, वो अपने आप को धोखा देता रहा और दूसरों को धोखा देता रहा। हम भी इबादत कर ही नहीं रहे, हम सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं जनाब, अल्लाह अकबर और ये चीजें, और ये देखें, ये मतलब के सबसे पहले ये है कि इबादत करनी कैसे है, ट्रेनिंग होनी कैसे है, उसका तरीकाकार क्या है और उसका मकसद क्या है, उस अंदाज में जब तक हम वो ट्रेनिंग नहीं करेंगे, वो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी होती रहेंगी। और आप ये भी देख लेंगे, हम बहुत सारी चीजें जो है ना, इबादत भी वो भी नफ्स की खुशी के लिए कर रहे हैं, अल्लाह की रजा के लिए नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ रवाज है जी, रात को हम बैठे हुए हैं जी महफिल नात में, ठीक है। सही। अब नात सुनना, नात में बैठना एक बड़ी अच्छी बात है, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र और ये सारे मामलात, लेकिन हम वहां क्या इबादत की नीयत से गए हैं, या वो सुर और वो चीजें, वो जो म्यूजिक में हमें नहीं मिल रही, वो वाला नशा वहां पूरा करने के लिए बैठे हुए हम, ठीक है। अब जब वो उस लय में आजकल के नात खान जिस तरह से पढ़ते हैं जनाब, वही कॉपी करके म्यूजिक को और चीजों को वो पूरा टेस्ट आपको देते हैं जो म्यूजिक में होता है, ठीक है, और आपको वो मजा आ रहा है, आप झूम रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, वाह भाई बड़ा मजा आया। अब जो ही उस महफिल के दौरान एक आलम दीन साहब आए, कोई आपको समझाने, कोई अल्लाह की बात बताने, उठ के बाहर चले गए, चलो चाय पी के आते, ठीक है, अब वापस आए आके फिर झूमते रहे, और अब नमाज का टाइम हुआ फजर, चलो भाई चल के सो जाते, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि वो हम अपने नफ्स की खुशी के लिए गए थे, अब इंजॉय करने के लिए गए थे, अब वो कुर्बानी कर रहे हैं, तो वो कुर्बानी किस लिए, अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, ठीक है, दिखावे के लिए आप तस्वीरें बना बना के शेयर कर रहे हैं और आप लोगों को बता रहे हैं जी इतने इतने की मैंने की है, इतने की मैंने की, वो तो हवा भी लग जाए किसी को, आप इजहार भी कर दें, यहां तक कि आपने 20 हज किए और आप इशारतन किसी को बताते हैं ये बताने के लिए कि मैंने 20 हज किए हैं, आप कहते हैं यार जब मैं 20वें हज पे गया था ना तो वहां पे ये मामला पेश आया था, आपके 20 के 20 हज खत्म हो गए, ठीक है। एक बुजुर्ग थे अहयाउल उलूम में, इमाम गजाली लिखते हैं कि वो पता नहीं कई साल है, साल मुझे ज़हन नहीं है, 20 25 30 साल बड़ा अरसा था कि वो इतने अरसे तक पहली सफ में तकबीर उला के साथ वो नमाज पढ़ते थे, और एक दिन इतने सालों के बाद एक दिन किसी वजह से लेट हो गए और दूसरी सफ में खड़े हो गए। अब जब वो दूसरी सफ में खड़े थे तो वो कहते हैं कि मेरे ज़हन में ये ख्याल आया कि आज मैं दूसरी सफ में लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि आज मैं तकबीर उल्लाह के साथ नहीं पढ़ा। कहते ये ख्याल आना था तो साथ ही दूसरा ख्याल भेज दिया गया कि भाई 30 साल तक तू लोगों को दिखाने के लिए तकबीर उल्लाह के साथ पढ़ता रहा, ठीक है। कहते कि 30 साल की वो कज़ा नमाजें उन्होंने दोबारा उन्हें पढ़ी। तो ये तो हमारा आलम है कि अगर कोई नेकी करते भी है तो वो नफ्स के लिए करते, दिखावे के लिए, ठीक है, फेसबुक पे चढ़ाने के लिए किसी की मदद कर दी, इबादत का कॉन्सेप्ट ही खराब किया हुआ कि इबादत तो करनी है लेकिन रियाकारी जब दिखावा आ गया उसमें अल्लाह ताला की रजा खत्म हो गई कि अल्लाह की रजा के लिए नहीं की जा रहा, लोगों को दिखाने के लिए। इबादत किस लिए थी? इबादत इसीलिए थी कि हमारे अंदर से वो रियाकारी खत्म हो जाए, वो मुनाफकत खत्म हो जाए, वो दिखावा खत्म हो जाए, वो चीजें खत्म हो जाए। तो जब हमने सही इबादत ही नहीं की तो वो चीजें खत्म ही नहीं होंगी और वो इबादत भी हमारे लिए वो गुनाह का वजह बन जाती है। सही सही। सर हम जिस्मानी गुनाहों की बात कर रहे हैं तो अल्लाह ताला ने हमें जिस्म का इख्तियार दिया, जैसे हम हाथ हिला रहे हैं, तो अब ये बताए कि किस हद तक इख्तियार मिला है और हमें इस इख्तियार को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? अच्छा, सबसे पहली बात तो यह है कि जिस्म हमारा नहीं है, सही, अल्लाह की अमानत है, ठीक है, अल्लाह ने हमें अमानत दी है और उसका हिसाब जाके हमने देना है। मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने आके मुझे 5 लाख रुपए अमानत के तौर पर दे दिए, ठीक है, और मैंने उसकी अमानत वापस करनी है, ठीक है। अब अमानत जो है और उस अमानत के साथ अल्लाह ने हमें ये नहीं कहा कि इसको महफूज करके रख लो, वो 5 लाख की तरह कुछ इख्तियार दिया है कि इसका ये इस्तेमाल करना है तुमने। अब जैसे
वेपन की बात की कि आर्मी वाले को वो वेपन दिया गया और साथ अमानत के तौर पे दिया गया और साथ गाइडलाइन दी गई कि यहां यहां तुमने यूज करना है। आपको पता होगा आर्मी में अगर वो बगैर किसी वजह के दो बुलेट भी फायर कर दे तो पूरी इंक्वायरी बैठ जाती है कि भाई ये तुम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते थे, जहां करना था वहां तुम 400 भी करते, किसी ने नहीं पूछना था, लेकिन जहां नहीं करना था तुमने अपनी मर्जी से किया या अमानत में खयानत किया, उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। गाड़ी दी है तो ये लेके जाओ, बेशक 10,000 किलोमीटर का सफर है तुमने ये करना है, लेकिन अपनी मर्जी से अगर वो 2 किलोमीटर भी कहीं ले गया बगैर परमिशन के तो उसका हिसाब होगा। ऐसा ही है। तो अब ये जो जिस्म है, सबसे पहले ये क्या, अल्लाह की अमानत है, नंबर वन। नंबर टू, अल्लाह की मर्जी है कि किस तरह इसका इस्तेमाल करो। ये जो स्लोगन हम सुनते हैं ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ठीक है, तो ये ना जिस्म हमारा है ना मर्जी हमारी, ठीक है। वो जो इख्तियार हमें दिया गया वो भी एक बॉर्डर लाइन दी गई है, एक लिमिट दी गई है कि इसके अंदर इस तरह का इसका इस्तेमाल करना है, ये तुम्हें इख्तियार है, ठीक है। अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे, जैसे वो बुलेट गलत उसने चलाई, गाड़ी गलत चलाई, फिर तुम्हें उसका हिसाब देना होगा। तो बेसिकली जिस्म जो है, जो जाहिरी जिस्म है और फिर जिस्म के जो है वो चार हिस्से हैं जो अमानते हमें दी गई हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ, आज का टॉपिक जो है सिर्फ जाहिरी जिस्म पे हम बात करेंगे। अगले टॉपिक पे हम जहन की पूरी ट्रेनिंग के ऊपर बात करेंगे, फिर दिल की सिफात के ऊपर बात करेंगे, फिर नफ्स के ऊपर बात करेंगे, फिर रूह के ऊपर बात करेंगे, फिर ये ना सिर्फ हम बात करेंगे बल्कि हर एक के साथ पूरी ट्रेनिंग बताएंगे, एक्टिविटीज बताएंगे और नाजरीन को ये सारा मटेरियल भी हम प्रोवाइड करेंगे, जैसा कि आपने वो व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिए जाएंगे स्क्रीन के, जिस पे वो हमसे रब्ता करेंगे। हम उनको ये सारा मटेरियल और सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, फिर चेक भी करेंगे, मेंटोर भी इनको देंगे कि आप ये जो है इसको कैसे पूरा करें। तो अब इस जिस्म के अंदर जो जाहिरी जिस्म है, इसके अंदर 7 अज़ा ऐसे हैं जिसका इख्तियार अल्लाह ने हमें दिया है और इसका हिसाब किताब होगा। जिस उज़ का इख्तियार अल्लाह ने हमें नहीं दिया, उसने क्या फंक्शन किया, कैसे किया, उसका हिसाब किताब हमने नहीं देना। तो जो जाहिरी जिस्म है हमारा, इसके बेसिकली 7 जो है वो अज़ा हैं। सबसे पहले अगर हम शुरू करें तो ज़बान है, हमारे कान हैं, हमारी आंखें हैं, हमारे हाथ हैं, शर्मगाह हैं, पेट है, पाँव है। तो ये 7 ऐसे अज़ा हैं जिनका इख्तियार अल्लाह ने हमें दिया है। अब अगर बगैर तरबियत का इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो हमारे लिए अजाब है, तबाही है, यही अजा हमें मरवा देंगे, यही हमें तबाह करेंगे। वो जो कहा जाता है ना कि क़यामत के दिन हमारे हाथ बोलेंगे, जबान ये बंद है, काम ये हमारे अजाब बोलेंगे, यानी जिस चीज का इख्तियार दिया था ये बताया गया कि या बारी ताला इसने मुझसे ये गलत इस्तेमाल करवाया था, ठीक है। पाँव कहेंगे ये मुझे फलां जगह पे ये लेकर गया था, आंखें कहेंगी मुझे ये चीजें दिखाता रहा ये, तो ये हमारे खिलाफ गवाही देंगे, ये हमारे होते तो हमारे साथ खड़े होते ना, ठीक है। तो ये जो हम अपनी मर्जी चला रहे हैं तो यही हमारे खिलाफ गवाही देंगे और यही हमें फंसाएंगे, और अगर हमने इनका सही इस्तेमाल किया तो ये हमारे हक में गवाही देंगे और इस तरह से होगा। तो ये 7 अज़ा हैं, सबसे पहले हमने इनको प्योरीफाई करना है, क्योंकि सारी गंदगी इन्हीं से अंदर जा रही है, हमारे दिलो दिमाग में जो कुछ जा रहा है, हमारी रूह को जो तकलीफ पहुंच रही है, हम जो अल्लाह से दूर हो रहे हैं, इन 7 अज़ा के जरिए हो रहे हैं, इनके गलत इस्तेमाल के जरिए। सर, जाहिरी जिस्म से होने वाली के ऐसे कौन कौन से गुनाह हैं जो हमारी दुनियावी और आखिरत की उखरवी जिंदगी को भी नुकसान देते हैं, ऐसे कौन से अज़ा हैं? ज़ाहिरी जो है अज़ा तो मैंने आपको बता दिया, जो गुनाह हैं वो मैं, हम ये शीट दिखा देते हैं नाज़रीन को, और उसमें जो चंद एक हैं वो मैं बता भी देता हूँ। जैसे ज़बान की हम बात करें तो इसके अंदर खुशामत है, नफाक पैदा करना है, बहुत ज़्यादा फजूल गुफ्तगू करना है, लानत मलामत करना है, झूठा वादा करना है, फौश कलामी है, झूठ है, गाली गलोच है, गीबत है, ठीक है। और ये गीबत जैसे कि हम देखें बहुत ख़तरनाक मामला है कि आप गीबत का मतलब ये है कि आप अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाते हैं और ये मज़े मज़े से रोज़ाना हम करते हैं। गीबत ये है कि आप किसी की खामी को उसकी पीठ पीछे किसी को बयान करें, जो सुबह से शाम हम हर एक ही करते हैं, और इसके बदले हमारी नेकियां उसको जाती हैं और उसके गुनाह हमें जाते हैं, और आखिरत का अजाब इसके अलावा है। दूसरे के राज को जाहिर करना, ये बहुत बड़े गुनाह हैं जिसके जरिए जो है हम अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। कान है, बगैर इजाजत किसी की बातें सुनना, गीबत सुनना, फजूल बातें सुनना, गाने म्यूजिक और इस तरह की गैर जरूरी चीजें सुनना, और आंखें जो हैं
ये हसद और अकारत से देखना, नाजायज चीजें देखना, गैर महरम को नाजायज देखना, हाथ है आपका, हाथ से कोई गलत करना, चोरी करना, तकलीफ देना, किसी गैर महरम को हाथ लगाना, शर्मगाह है इसको जो है वो जिन हराम तरीकों से मना किया गया है उनसे करना, नापाकी का ख्याल जो है वो ना रखना, ठीक है, पर्दा ना करना, और पेट है और ये मतलब कि ज़्यादा खाना इससे आपको क्योंकि नुकसान होता है, हराम खाना, शराब, नशा, इस तरह की चीज़ें करना, ठीक है, पाँव है, ठीक है, गलत जगहों पे जाना, गलत लोगों के पास जाना, जहाँ जाना मना है वहाँ पे उनसे जाना मिलना, ये पाँव का इस्तेमाल है। तो ये जो बड़े गुनाह हैं जो इनके ज़रिए हम करते हैं और ये रूटीन के अंदर करते हैं और ये हमारी आदतें बन चुकी हैं और ये रमज़ान का महीना है जिसके अंदर हमने ये आदतें बदलनी हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों को रमज़ान में हमने अगर सही करके जिस तरह के 8 दर्जे का रोज़ा हमने बात की थी उसके अंदर ये 7 की 7 चीज़ें मौजूद हैं कि इनको कैसे कंट्रोल करना है, अगर ये कंट्रोल कर गए हम रमज़ान के अंदर तो ये हम इन गुनाहों से अपने आप को बचा लेते हैं। सर आखिर सवाल मेरा ये है कि हम पुरसकून जिंदगी गुजारने के लिए इन गुनाहों से कैसे बच सकते हैं, इसको समराइज कर दें जैसे आपने बताया, ये मेरा आखिरी और बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है। जी, सबसे पहले तो दो पहलू हैं कि पुरसकून जिंदगी गुजारनी है हमने तो सबसे पहला काम है कि इन गुनाहों से बचना, ठीक है, और फिर दूसरा इसका हिस्सा ये है कि हमने अपने इन आज़ा को अगर ये गलत काम से रोकना है तो ये काफी नहीं है, इनको अच्छे कामों पर भी लगाना है, ठीक है, ये जो असल मकसद है इनका, ये तो नहीं है ना कि आपने सिर्फ इतना है कि आपने हराम से रोक लिया इसको तो दैट्स इनफ, आपका हक पूरा हो गया, नहीं, जिस मकसद के लिए दिया गया था जो पहले टॉपिक में हमने बात की उस मकसद पे लगाना, तो वो क्या मकसद है, इन हाथ का क्या, जबान का क्या, वो भी हम बताते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये करना है नाज़रीन को ये बताएं कि भाई ये 7 अज़ा जो हैं इनके लिए आपको 7 हम शीट्स देंगे और ये जो 7 एक्टिविटी शीट्स हैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ ज़बान का तकवा, कि ज़बान का तकवा किसी चीज़ का तकवा हासिल करने के लिए उसको प्योरीफाई करने के लिए आपको 30 दिन चाहिए, यानी 30 दिन मुसलसल अगर आप पाबंदी करेंगे उस पर अमल करेंगे तो वो चीज़ आपकी आदत बन जाएगी, ठीक है, कोई भी चीज़ आप शुरू, फॉर एग्जांपल आप घर में हैं और घर में आपने क्या किया जी लूडो खेलना शुरू कर दिया, 1 दिन खेला, 2 दिन खेला, 3 दिन खेला, आपकी आदत बन जाएगी कि नहीं, आप कहेंगे कि बस कब हम वापस घर पहुंचे और बस लूडो निकालें और वो शुरू कर दें, ठीक है, आप घर में एक छोटे से कमरे के अंदर फुटबॉल खेलना शुरू कर दें, उससे कोई गेम खेलना शुरू कर दें, आपकी वो आदत बन जाएगी, आप नॉवल पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है, आपकी वो आदत, जो नहीं पढ़ता तो उसकी तो आदत नहीं है, आप 2-3 एपिसोड अर्तुगरुल की देख लें, ठीक है, आप वो देखना शुरू कर देंगे, मूवीज देख, कोई भी चीज जो आप मुसलसल शुरू कर देते हैं, इनिशिएटिव ले लेते हैं, चाहे अच्छी है बुरी है, वो आपकी आदतें बनना शुरू हो जाती हैं और जब मुसलसल 30 दिन करते हैं तो वो आपकी पुख्ता हो जाती है। तो ये जबान की शीट जी आपके सामने है, इसके नीचे जबान के मुतल्लिका गुनाह लिखे हुए हैं 15, आपने इनको पहले अच्छी तरह से पढ़ना है, उसके बाद एक लिखा हुआ तारीख शुरू, यानी आपने जिस तारीख से इसको शुरू करना है, यकम रमज़ान से शुरू करना है तो यकम रमज़ान को जो भी तारीख है जो अप्रैल की 3 है 4 है वो आप लिखेंगे और उसके बाद पूरा दिन आपने ये सारा सुबह भी देखना है दोपहर को भी देखते रहना कि ये गुनाह से मैंने अपने आप को बचाना है, जब आपके जहन में होगा और विलिंग हो गए और आप फिर आप बचाएंगे। मिसाल के तौर पर अभी आप किसी से कोई आके बैठा और आपको दिल किया कि मैं फलां की बात इसको बताऊं, गीबत करूं, लेकिन फौरन जहन में आया कि नहीं 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 मैंने तो ये वादा किया हुआ है, आप बच गए, फिर आप कर रहे थे, करते करते आपने जो है ना आपके मुंह से कोई ऐसी गलत बात निकल गई जो आप नहीं कहना चाहते थे और आपको, अब अगर ऐसी कोई गलती हो गई है तो आप फौरन क्या करें, तौबा कर लें, तौबा कर लें तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मुसलसल हो रहा है और कोई बड़ा गुनाह आपने सरजद किया है, आज शाम को जब आप क्लियर हैं सारी चीजें, अच्छे दिन गुजर गया तो आपने पहला जो आपका खाना है उसमें टिक लगा दिया, दूसरे दिन दूसरे में, तीसरे दिन तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, अब 6ठे दिन आपसे कोई बड़ी गलती होगी, अब आपने क्या करना है, क्रॉस लगाना है, क्रॉस लगाने के बाद अब आपने दोबारा तारीख लिखनी है उस दिन की और दोबारा शुरू कर देना है, जब तक मुसलसल 30 दिन नहीं होगा ये आपकी हैबिट नहीं आपसे बदलेगी, तो ये 30 दिन मुसलसल करना जरूरी है, ठीक है, तो इस तरह जब जबान का हो जाता है तो फिर आगे है हम इसी तरह आंख है, कान है, उनके गुनाह भी लिखे हुए, उनका तरीका भी लिखा हुआ है, लेकिन रमजान में आपको क्या फायदा है, रमजान में तो आपने रोजा रखना है, सारी चीजों का रखना है, तो इसलिए रमजान में कोशिश करें कि मैंने ये सारी चीजें पढ़ के आंख को भी, जबान को भी, कान को भी, सबको काबू करने की पूरी कोशिश करनी है और जितने फिर वो रोजे उसके मुताबिक होंगे, वो जो रोजे वाली शीट है उसके अंदर लिखेंगे कि आप लेवल 4 का रोजा है, लेवल 3 का रोजा है और कितने रखे गए, इसमें दोबारा शुरू नहीं करते रमजान में, जो उसके मुताबिक हुआ टिक, जो उसके गलत हुआ क्रॉस, एट दी एंड आप देखेंगे कि 12 रखें, 10 रखें, 11 रखें, 15 रखें, 16 रखें, जो बाकी 14 रह गए वो फिर नफली रोजों में आप को प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरह से। तो ये तो पहला मामला हो गया कि इससे आप गुनाह से रुक जाएंगे। अब इसमें दूसरा मामला क्या है जी, दूसरा मामला कि अब आपने क्या करना है, अब आपने
इसको सही मकसद के लिए लगा इस्तेमाल करना है तो कैसे करना है, उसके भी ये शीट आपको दे देते हैं कि 7000 की इतबा मिसाल के तौर पर ज़बान है तो हुस्ने अखलाक हदीस व सीरत जिक्र दुरूद शरीफ तलावत अच्छी बात करना चीज़ें समझाना कान से तलावत सुनना ना सुनना काम शरीयत सुनना आंखों से ज़ियारत करना ज़ियारत वालदेन करना घर वालों से मोहब्बत से देखना औलिया अच्छे लोगों की ज़ियारत करना ठीक है हाथ है उसे रिज़्क़ हलाल कमाना मखलूक की मदद करना वालदेन की खिदमत करना शर्मगाह है पाकीज़गी इख्तियार करना उसकी हिफाजत करना मस्जिद की तरफ जाना पांव से नेकी की तरफ जाना हज उमरे की तरफ जाना इबरत के लिए कब्रस्तान जाना अल्लाह की रज़ा के लिए जाना पेट है हलाल रिज़्क़ खाना थोड़ा खाना थोड़ा पीना लज़्ज़त वाला खाना ना खाना यानी इस तरह के शौक ख्वाहिशें कम रखना रोज़े रखना पेट खाली रखना ठीक है और कभी सादा और बेमज़ा भी खाना और उसके ऊपर भी अपने आप को शुक्र अदा करना। तो ये वो तरीके हैं इसकी तरफ फिर जब ये पाक हो जाएंगे प्योरीफाई हो जाएंगे जैसे वुजू करके आप इबादत करते हैं इसी तरह इन अज़ा का वुजू करके तज़किए के जरिए पाक करके फिर ये इबादत वाले काम करेंगे तो ये आपको फ़ायदा भी देंगे अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं होता वैसे के वैसे रहते हैं। जो पहला सवाल था कि इबादत करने के बावजूद हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। ठीक है सर बहुत खूब। अल्लाह ताला ने जो इंसान को जिस्म दिया है वो इसका जवाब भी होगा। उसके अज़ा जैसे सर ने कहा कि 7 मेजर अज़ा हैं जो जो हमें गुनाह की तरफ रागिब भी करते हैं और जो हमें नेकी की तरफ रागिब भी करते हैं जिनसे हमें नेकी भी करनी है। एक तरफ तो गुनाहों से बचाना है और दूसरी तरफ उन्हीं अज़ा का पॉजिटिव यूज़ करना है। आपको हमारी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर मिल रहा होगा, ये ट्रेनिंग और कोचिंग के लिए आप इधर रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। इसमें बाकायदा रमज़ान के अंदर ये एक सदका जारी है कि रमज़ान के अंदर आप उसको कोशिश कीजिएगा कि उस ट्रेनिंग को करने की, ताकि साइकोलॉजी कहती है कि जो चीज़ आप 30 दिन प्रैक्टिस करते हैं वो आपकी आदत बन जाती है। तो इस रमज़ान ने हमें मौका दिया कि ऑलरेडी 30 डेज़ हैं आप से प्रैक्टिस करें, जो आप काम कर लें उस पर टिक लगा दें, जो आपने ना किया उसे क्रॉस लगा दें। फिर एक नए ये तो नए सिरे से जैसे काम शुरू नहीं होगा लेकिन आप अदर डेज में सर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हमसे रब्ता कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए मौजू एक नई बात के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें मुझे अपने मेहमान को। अल्लाह हाफिज़।